हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट सिक्स वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट सिक्स वीडियो में प्रश्नावली 3.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 18। यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, देखो 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू 0 तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक का व्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सिद्ध करना है कि आई प्लस ए बराबर में होगा आई माइनस ए इंटू में यह मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है कॉस थीटा का, तो मैं यहाँ एंगल जो है अल्फा के फॉर्म में है तो कॉस अल्फा ले लेता हूँ। कॉस अल्फा का टेन के फॉर्म में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यही ना हो जाएगा। चलिए, और अगर मैं साइन अल्फा की बात करूँ टेन के ही फॉर्म में, तो हो जाएगा 2 टेन अल्फा बाई टू बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। मैं एक काम करता हूँ, टेन अल्फा बाई टू को टी मान लेता हूँ, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ लिख दूंगा कि जहाँ जहाँ टेन अल्फा बाई टू बराबर में क्या है t, टेन अल्फा बाई टू जो है आपका t है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 माइनस टी टी 0, ये ना हो जाएगा। देयरफॉर a बराबर में क्या हो जाएगा, 0 माइनस का t, फिर है आपका t 0। ठीक है, चलिए अब LHS ले लेते हैं। LHS में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में a को जोड़ना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और a का वैल्यू यह रहा 0 माइनस का t 0। चलिए जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, जोड़ने पे आ जाएगा आपका 1 माइनस का t 1, यही ना आएगा। चलिए अब मैं RHS लेता हूं, I माइनस ए और फिर इसको लिखता हूं RHS। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से ए को घटाना है और फिर इंटू करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही ना आपका दिया हुआ RHS में। चलिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से ए को घटाना, तो यहां देखो ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 0 0 1 और a का वैल्यू हम लोग ऊपर लिखे हैं यहाँ पर 0 माइनस का t प्लस का t 0। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे देखो ना, cos अल्फा के जगह मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला और sin अल्फा के जगह ये वाला, तो रख देता हूँ वही 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर और sin अल्फा के जगह 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर और कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे घटाना है ना जी, तो घटेगा तो 1 प्लस का t माइनस का t 1, यही ना होगा। और यहाँ पर ये जो है रख देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर यहाँ पे है 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए अब देखो इसके बाद, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना आसानी से, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले रॉ में पहले वाले कॉलम से, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस इसमें सेंटू होगा तो 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। दूसरे रॉ में फिर दूसरे वाले कॉलम से करते हैं, पहले वाले कॉलम से करते हैं, तो आ जाएगा माइनस का टी इसमें गुना करेगा ना, तो माइनस का टी ऊपर इंटू हो रहा है देख लो और प्लस का टी क्यूब बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस इसमें सिंट होगा तो आपका यही आएगा 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब अगला देखते हैं, पहले रॉ में दूसरे वाले कॉलम से, तो माइनस का 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर इसमें से करेंगे ना तो आपका आ जाएगा प्लस का टी माइनस टी क्यूब बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। दूसरे रॉ में पहले रॉ में दूसरे कॉलम से होंगे, चलिए फिर दूसरे रॉ में दूसरे कॉलम से, तो आ जाएगा 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए आप ऊपर एलसीएम ले लेके सबको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। यहाँ देखो 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, माइनस का 2t प्लस टी माइनस का टी क्यूब। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ एलसीएम लो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का टी प्लस का टी क्यूब और प्लस का 2t।
यहाँ एलसीएम लेते हैं, वन प्लस टी स्क्वायर तो आ जाएगा टू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका वन प्लस टी स्क्वायर और नीचे भी है आपका वन प्लस टी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखो ये घटेगा माइनस का टी और प्लस माइनस का टी क्यूब और माइनस का टी क्यूब और बटा में है नीचे आपका वन प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो उसी तरह से हो जाएगा आपका आ जाएगा टी प्लस का टी क्यूब बटा में देख रहे हो ना इसमें घट गया और बटा में वन प्लस टी स्क्वायर। यहाँ भी देखो ये इसमें से ये घट जाएगा तो आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर और बटा में वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी वन और ये भी वन। देखो क्या हो जाएगा यहाँ वन, यहाँ से ऊपर माइनस का टी कॉमन है ना जी, तो वन प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा और फिर बटा के नीचे भी यहाँ पर वन प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है चलिए अगले स्टेप में यहाँ पे देखो टी कॉमन करो वन प्लस टी स्क्वायर बचेगा और नीचे आपका वन प्लस टी स्क्वायर है ही और यहाँ पे वन, तो ये भी कट गया ये भी कट गया। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस का टी और यहाँ पे आ गया टी प्लस का वन। तो देखो ये आर एच एस में जो आया है वही चीज हमारा एल एच एस में भी आया था वन माइनस टी टी वन, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया। तो यही ना हमें साबित करना था, बराबर दिखाना था, हमने बराबर दिखा दिया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास टोटल कितना है 30,000 रुपए का कोष है जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना है। मतलब कोई व्यापारी संघ है ना, वो 30,000 रुपये का उसके पास कोष है, टोटल उसके पास 30,000 रुपये है। वह क्या करना चाहता है सब कि उसे दो प्रकार के ब्रांडों में कोई भी चीज हो सकता है उसमें निवेश करना चाहता है। प्रथम ब्रांड में उसे 5% वार्षिक और द्वितीय ब्रांड में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो भिन्न प्रकार के ब्रांडों में किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये प्राप्त हो और एक बार 2,000। तो पहला ए नंबर के लिए हम लोग देखते हैं, लिखते हैं माना माना पहले पहले ब्रांड में निवेशित राशि जो है वह 100 रुपये। मान लेते हैं कि पहले वाले ब्रांड में वह 100 रुपये निवेश करते हैं। अच्छा दूसरे ब्रांड में निवेशित राशि जो है वह क्या हो जाएगा, तो टोटल 30,000 था तो 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा ना जी, 30,000 माइनस एक्स रुपए। ठीक है प्रश्न से देखो, एक में 100 रुपये निवेश करते हैं और दूसरे में 30,000 माइनस एक्स, और पहले में जो इंटरेस्ट मिलता है 5% और दूसरे में जो है वह 7%, और बराबर में टोटल इंटरेस्ट मिला के कितना होना चाहिए 1,800 रुपये। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। चलिए पहले रॉ में पहले कॉलम से तो 5% और इंटू में एक्स आ जाएगा और प्लस 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स और इंटू में 7% आ जाएगा है ना, और बराबर में 1,800। यहाँ पे 5x बटा में 100 हो जाएगा, यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स और इंटू में 7 रहेगा और बटा में 100 आ जाएगा, बराबर में 1,800। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 5x प्लस इसमें से इंटू कर दे क्या, 21 2 4 वो 0। ठीक है चलिए और यहाँ पे माइनस का 7x और बराबर में 1,800। चलिए देखते हैं इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2x प्लस में 21 के ऊपर कितना 0 है, 4 गो 0 है। ठीक है चलिए 210,000 है और बटा में ये 100, बटा में जो 100 है उधर ले जाके गुना कर देते हैं तो 1800 पे गुना 100 करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा, इसको ले जाके उधर घटाते हैं, यह जाके उसमें घटेगा तो माइनस का 30,000 आ जाएगा, माइनस माइनस काट दो यह जाएगा भाग में तो 15,000 आ जाएगा। यानी कि x का मान 15,000 है तो पहले ब्रांड में निवेशित राशि, इसलिए पहले ब्रांड में निवेशित राशि 15,000 रुपये हो जाएगा क्योंकि वो x था 15,000 रुपये।
अच्छा दूसरे ब्रांड में, दूसरे ब्रांड में निवेशित राशि वह 30,000 माइनस एक्स है ना जी, 30,000 और माइनस एक्स, यानी कि 30,000 में से 15,000 घटा देंगे एक्स का वैल्यू, ठीक है, तो यानी कि 15,000 ही आएगा, 15,000। तो दोनों ब्रांड में यह 15-15 हजार रुपए इन्वेस्ट करेगा। चलते हैं इसके दो नंबर क्वेश्चन पे। चलिए इसके बी नंबर जो है ना, ये 2,000 रुपए कह रहा है, तो मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऐसे ही करना है, बस ये 1,800 की जगह 2,000 कर देना है, हर एक जगह 1,800 की जगह 2,000 आ जाएगा, है ना। हमें ब्याज जो चाहिए 2,000 चाहिए, तो बस 2,000 यहाँ करके और सॉल्व करते चलना है यहाँ पे। तो LHS में जो है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ थोड़े करना है, बस यहाँ पे 2,000 आ जाएगा, यहाँ पे 2,000 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2,000 आ जाएगा, समझ रहे हो ना, 2,000 आ जाएगा। चलिए यहाँ घटाओ, माइनस का 2x प्लस में 21 के ऊपर 4 जीरो है, 2,10,000, और ये जाके उधर गुना करेगा तो 2,000 पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये जाके उधर घटेगा तो इधर माइनस का 10,000 आ जाएगा, माइनस माइनस काट देंगे, इधर भाग में जाएगा तो 5,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, एक्स का मान 5,000। अतः कह सकते हैं पहले ब्रांड में निवेशित राशि बराबर में 5,000 रुपये हो जाएगा एक्स का वैल्यू, और दूसरे ब्रांड में निवेशित राशि बराबर में 30,000 माइनस एक्स, यानी कि 30,000 में से 5,000 घट जाएगा, 30,000 में से 5,000 घट जाएगा, तो कितना जाएगा, 25,000 ना, तो पहले में 5,000 इन्वेस्ट करेंगे और दूसरे में 25,000 इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किस स्कूल के पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन वहां रसायन विज्ञान की किताब है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है, यानी कि एक रसायन शास्त्र की पुस्तक का दाम 80 रुपये, एक भौतिकी के पुस्तक का दाम 60 रुपये और एक अर्थ दर क्या कह रहा है अर्थशास्त्र की किताब का क्या है 40 रुपये है। तो आव्यूह बीज गणित का प्रयोग करते हुए सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये निकालनी है, यानी कि कुल प्राप्त धनराशि कितना, सारा किताब बिक जाएगा तो कितना पैसा आएगा ये आपको बताना है। तो देखो आप किताबों की संख्या को रॉ में सजा लो और उनके पैसे को कॉलम में, तो इस संख्या को सजाएंगे, 10 दर्जन है यानी कि 120 किताबें हो जाएंगी रसायन शास्त्र की, और ये 12/96 हो जाएगा, और फिर ये 10 में 12 से गुना करेंगे 120 दर्जन, 120 किताब अर्थशास्त्र का दर्जन में है ना जी, तो 12/12 से गुना करते गए। चलिए और इनके कॉस्ट को हम लोग कॉलम में सजाएंगे, क्योंकि एक पुस्तक के कॉस्ट के हिसाब से दिया, तो ये पुस्तकों की संख्या मैंने निकाल ली 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये, यही ना होगा। अब सिंपल आप मल्टीप्लाई करो ना, कितना जाएगा पहले रॉ में पहले कॉलम से, तो 12/96 2 जीरो लगेगा, प्लस 96 में करेंगे, 96 में करेंगे 60 से, तो आ जाएगा 5,760 और 120 में करेंगे 40 से, तो बचो 48, 4 जीरो लग जाएगा, सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20,160 रुपये आएंगे, आप जोड़ के देख सकते हो आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शुरू में दिया है कुछ स्टेटमेंट, इसको पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी ये 5 आव्यूह हैं जिनकी कोटियां यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 और 22 का सही उत्तर चुनना है। कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने के लिए एन के और यहाँ पर क्या है एन के और पी, एन के तथा पी में क्या प्रतिबंध होगा, इनमें क्या प्रतिबंध होगा ये बताना है इसमें से। समझो यहाँ पर पी वाई यानी कि पी इंटू वाई की कोटि क्या होगी पहले ये बताओ। तो यहाँ देखो पी इंटू वाई की कोटि निकालने के लिए आप देखो दो मैट्रिक्स, जैसे आपको बता रखा है मैंने कि ए का मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स जो हो जिसका ऑर्डर एम बाई एन हो, और बी एक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर एन बाई पी हो, ठीक है।
तो ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर जो आएगा इसका रॉ और इसके कॉलम को फॉलो करेगा, एम बाई पी हो जाएगा। तो उसी तरह पी वाई के लिए, पी के लिए देखो तो पी के लिए इसका रॉ, रॉ क्या है, नंबर ऑफ रॉ कितना है पी में, पी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉ क्या है, पी ही है। और वाई मैट्रिक्स में, वाई मैट्रिक्स की कोटि क्या है, वाई मैट्रिक्स की कोटि क्या है, वाई मैट्रिक्स यही ना सेकेंड वाला के है, तो पी इंटू के ऑर्डर होगा पी वाई का। अच्छा डब्ल्यू वाई के लिए बात करते हैं, डब्ल्यू वाई के लिए, तो डब्ल्यू वाई के लिए तो डब्ल्यू का देखो, डब्ल्यू डब्ल्यू ये रहा चार नंबर पे है, डब्ल्यू का नंबर ऑफ रो एन है और नंबर ऑफ कॉलम किसके लिए देखेंगे, वाई के लिए, वाई का नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, वाई का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड नंबर पे है, के है, ठीक है, यहाँ पर यह दिया हुआ है। तो इन दोनों के योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई, दोनों का योग कब प्राप्त होगा, ये दोनों का योग कब प्राप्त होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ना। जोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसे वो मैट्रिक्स होने चाहिए जिनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, तुलनात्मक होने चाहिए। तो ये पी एन के बराबर जिसमें होगा, पी किसके एन, पी एन के बराबर कहाँ पर है, यहीं पे ना है और कहीं तो नहीं ना है। चलिए तो ये आपका ऑप्शन हो गया, समझ गया क्यों हो रहा है। चलिए अगला देखिए, यदि एन बराबर पी है, एन बराबर पी है तो 7x-5z की कोटि क्या होगी, देखो 7x-5z की, तो दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। अच्छा देखो तो x की कोटि कितनी है, x की कोटि है 2/n और z की कोटि कितनी है, तो z की कोटि यह तीन नंबर वाला होगा ना, 2/p, ठीक है 2/p। तो यहां कह रहा है कि यदि n p के बराबर है, अच्छा n p के बराबर है तो आसानी से घट सकता है क्योंकि दोनों की कोटियां समान हो गई ना, क्योंकि n p के बराबर है, तो पूछ रहा है कि इसमें से यह घटाने पे कोटि क्या होगा, तो कोटि यह भी हो सकता है या यह भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, 2/n या 2/p। तो यहाँ पर 2/n ही दिख रहा है, 2/p इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में। तो यही थे आपके क्वेश्चन, आपका एक्सरसाइज आज बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी, आदर्श अग्रवाल, भारती भवन, केसी सिन्हा सबका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।